नमस्कार, मेरा नाम दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। तो ये है हमारे पलपुरी साहब। नमस्कार भाई, बड़ी मुश्किल से पकड़ा। मैं वो बता दूं, बच्चों ने इतना बोला है, इतना बोला कि दर्पण सर इतने दिन छह महीने काम किया आपने, कभी आपने, मैंने यार मुझे मौका नहीं मिलता, जब भी मैं आता था तो या तो वो जा रहे होते थे बिकॉज, और आज भी बड़ी मुश्किल से मिला है बिकॉज टाइम अभी भी मैंने देखा तो लगातार यू नो काम पे लगे हुए थे। हमारा काम ही थोड़ा सा बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। मैं अभी 3 दिन के लिए घर गया हुआ था दिवाली पे, तो वो 3 दिन से पहले भी मैं 4-5 दिन सोया नहीं, फिर 3 दिन जब घर गया था तो सोने का मतलब ही नहीं बनता, और यहाँ पे आने के बाद क्योंकि मैं घर गया हुआ था 3 दिन के लिए और 3 दिन तक नहीं सोऊंगा, इसलिए ज़्यादा हेक्टिक है। ओ, तो जो काम बच गया वो भी करना लगातार। हाँ जी। ओ, क्यूट है ना। लड़के पागल है यार, सब बावली हो रखे तुम्हारे लिए। ऐसा क्या, अच्छा ऐसा क्या है तुम्हें? कुछ नहीं है मेरे अंदर, मेरे को तो लगता ही नहीं कि मैं डिजर्विंग भी हूँ। वो तो पता नहीं क्यों इतना सारा प्यार सब लोग करते हैं, और मेरे को थैंक यू भी नहीं करना आता, मतलब कैसे थैंक यू। तो मैं, मेरा बस नहीं चलता, मैं तो हर जगह हर इंटरव्यू में बोलता हूँ मेरा बस चले तो मैं आप सब लोगों के घर आके आप लोगों को हक करके थैंक यू बोलूं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मतलब मुझे लगता है मैं तो ऐसा कुछ करता ही कैसे प्यार प्यार से बोलता है, हाय मुझे मोहब्बत हो जाएगी, बैंक लेके छोड़ दो तुम। अच्छा भाई, आगरा से आप? जी जी, पंजाबी फैमिली, राइट? आगरा से, मतलब ये कैसे सफर शुरू हुआ कि मेरे को इंडस्ट्री में जाना है, मुझे काम करना है, एज एन एक्टर यू नो एस्टैब्लिश होना है? ये काफ़ी बच्चों ने सुनी होगी ये स्टोरी। सुनी है काफ़ी बच्चों ने, मेरे चैनल पे थोड़ी सुनी है। अब दोबारा बनाते हैं, हम बताते हैं। बेसिकली मेरे को एक्टर नहीं बनना था, मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी 10th क्लास में, जब मैं था तो आई स्टार्ट डेटिंग समबड़ी, तो उसको चाहिए था कि मैं एक्टर बनूँ, मुझे नहीं बनना था, तो शी वॉन्टेड मी टू बिकम एन एक्टर बिकॉज शी यूज टू लव शाहरुख खान। अच्छा। हाँ, तो अभी मेरे डैड भी अगेंस्ट ही थे डेफिनेटली उस टाइम पे, और अभी भी फॉर दैट मैटर हमारी इंडस्ट्री को सब लोग बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब कल्चर वाइज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इंडियन कल्चर इज जनरली। तो लोगों को लगता है कि नहीं यार वहाँ पे जाएंगे तो बच्चे खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, गंदा काम है, शो ऑफ एंड ऑल दैट, तो वो गड़बड़ है। तो फिर भी वो हुआ है थोड़ा सा, पापा मेरी बातें हुई बहुत सारी, कई बातें मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैं घर छोड़ के आ गया। घर छोड़ के आ गए थे? भागा हुआ हूँ, मैं भाग गया था, बट गलत काम किया ना आपने। हाँ, गलत काम। मैं सबको बोल रहा हूँ ऐसे कब, ऐसे मत, कोई भी घर छोड़ के मत भागना, घर छोड़ के भागना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। घर छोड़ के भागने के बाद मैं जो झेला है ना बहुत ख़राब था वो, तो इसलिए कभी भी मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि घर छोड़ के मत भागना। हर किसी की अलग डेस्टिनी होती है, किसी की अलग किस्मत होती है। मैंने, और देखो जिसके लिए मैं घर छोड़ के भागा वो, उसकी शादी हो चुकी है, उसके दो बच्चे, उसकी हो गई दो बच्चे उसके, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा, पता ही नहीं है। हाँ। ओ, अच्छा, ऐसी तो कहानी। जहाँ भी रहे खुश रहे, मेरी ब्लेसिंग्स हैं उसके साथ, सारी विशेज हैं, लेकिन बेसिकली उसी के चक्कर में किया। एंड उसके बाद फिर द जर्नी वॉज इनिशियली वेरी डिफिकल्ट, सबके लिए होती है। जब तक आप कठिनाइयों का सामना नहीं करते हो तब तक आप पकते नहीं हो, तब तक आप स्ट्रांग नहीं होते हो। एक बार जब आप स्ट्रांग हो जाते हो उसके बाद इट्स ईजियर फॉर यू टू टेक चैलेंजेस एंड विन ओवर देम। सो पहले चैलेंजेस के लिए आई गॉट प्रिपेयर्ड, भगवान ने मुझे प्रिपेयर किया कि नहीं पहले घिसो, स्ट्रगल करो, खूब घिसो, खूब घिसो। तो वो जब तक घिसा ही नहीं होगी ना तब तक शाइन नहीं आती, चाहे वो डायमंड हो चाहे वो सोना हो। तो बेसिकली आपको ज़रूरी है हर एक चीज़ का स्ट्रगल करना। मैं अब आज एक अच्छी बात करते हैं, चलो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक्टर बनना चाहते हैं, आई एम वेरी श्योर। आजकल मैं देखता हूँ हर दूसरे घर में एक ना एक एक्टर पैदा ज़रूर होता है, बनता ही नहीं बनता पैदा ज़रूर होता है, मन में एक्टर ज़रूर होता है किसी न किसी बच्चे के। तो उन सारे बच्चों के लिए जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए हम क्या करते हैं, हम फटाफट से डेस्टिनेशन के बारे में सोच लेते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। अब क्यों सोचते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमको बहुत सारे फ्रूट्स दिखाई देते हैं, इतना फेम है, इतने लोग प्यार करते हैं, इतना पैसा है, गाड़ियाँ, बंगले, 85 चीज़ें, तो वो सब हमें दिखाई देता है। उसके बीच का जो जर्नी है वो हम स्किप कर देते हैं। करेक्ट। हमें सपोज टू बी, अगर हम एक 10th क्लास में हैं, हमें एग्ज़ाम देना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अरे यार मुझे
99% लेके आना है, 99% लेके आना है, 99% लेके आते हैं तो माँ बाप फलानी चीज़ लेके देते हैं, मुझे कपड़े मिल जाएंगे, मुझे घूमने को मिल जाएगा, मुझे फलानी ट्रिप मिल जाएगी, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सारे बच्चे मेरी वाह वाह के, ऐसा नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, पढ़ना यार, पढ़ना पड़ेगा यार, पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, 85 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद मैं अगर उसमें बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो 98% आएंगे। तो वो जो पढ़ाई है ना, वैसी एक्टिंग भी एक पढ़ाई है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज आप में से किसी को भी मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप में से किसी को भी अगर मैं फ़ोन करके बोलता हूँ कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ बहुत बड़ी विद यशराज, आप रेडी हैं उसको करने के लिए एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस? आप तुरंत से सोचेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, कैसे, मतलब एकदम से? तो तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है। आप सब अगर एक्टिंग करना चाहते हैं तो ये टिप है आप लोगों के लिए कि आप अपने वीडियोज़ बनाइए, अपने वीडियोस, आपको जो भी फिल्म अच्छी लगती है, जो भी एक्टर अच्छा लगता है उसको देखिए, उसकी स्क्रिप्ट अपने हाथों से लिखिए। एक डायलॉग आपने देखा, मन लंबा सा मोनोलॉग है या लंबा सा कोई भी एक कॉन्वर्जेशन है, उसको देखिए, यूट्यूब पे आजकल सब अवेलेबल है, उसको रिवाइंड करके उसके डायलॉग्स लिखिए बैठ के, वही स्क्रिप्ट बन जाएगी। उस स्क्रिप्ट को अपना फ़ोन सामने रखिए और खुद ही रिकॉर्ड करिए अकेले रूम में, अपने आप देखिए कैसा लग रहा है, फिर करिए, फिर देखिए कैसा लग रहा है, 100, 200, 2000, जब तक अच्छा नहीं होता तब तक बनाते रहिए। और ऐसे हज़ारों लाखों स्क्रिप्ट जब आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे कहीं पे परफॉर्म करने के लिए, 50 लोगों के सामने, 50,000 लोगों के सामने, बाकी आपका अपना कैलिबर है, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि तब आप तैयार हैं। अगर कोई आपको फ़ोन करता है तो आप बोल सकते हैं हाँ मुझे स्क्रिप्ट दो, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये बहुत अच्छा टाइम है, जितने भी लोग यंग हैं ये बहुत अच्छा वक्त है, हर कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बहुत बढ़िया एक्टर हैं, और शाहरुख खान भी बहुत बढ़िया एक्टर हैं, इरफान खान भी बहुत बढ़िया एक्टर हैं, परेश रावल भी बहुत बढ़िया एक्टर हैं। अब मैं आपको ऐसे बहुत सारे नाम गिना दूंगा। एक्टिंग में आपकी हाइट, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शक्ल कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, आपका क्राफ्ट। MF हुसैन जी कैसे दिखते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन MF हुसैन सबको पता है, उनका जो नाम है ना वो उनका क्राफ्ट की वजह से है। उसी तरीके से जितने भी नाम मैंने अभी बोले एक्टर्स के, उन सबका नाम उनके क्राफ्ट की वजह से है। अपना क्राफ्ट एक बार स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ये सारी प्रैक्टिसेस करके, उसके बाद डेफिनेटली आप जो भी चाहते हैं आपको मिल जाएगा। क्या बात है तालियां कमाल, मतलब मैं ताली मार, मतलब मैं कुछ ये बोलता कि यार कुछ ऐसा बोलो जो मोटिवेट कर दे उन लोगों को, तो आपने तो एकदम ज्ञान बांट दिया भाई। सही में सारी बातें बोल दी बल भाई, और आई थिंक यही सुनना चाहते थे वो लोग, बिकॉज बाकी चीजें वो कहीं ना कहीं देख ही लेते होंगे आपकी आपके इंटरव्यूज में कि भाई कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन ये शायद नया था। और इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपने सब कुछ कह दिया, सब कुछ बोल दिया। अच्छा कुछ लड़कियों को बोल दे यार, बड़ी प्यारी प्यारी जो आपकी फैंस हैं। जी मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बोल नहीं पाता हूँ, ये एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं कन्वे कर रहा हूँ अपना प्यार। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप सबका प्यार अक्सर मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या अलग अलग मीडियम के थ्रू मिलता रहता है, और मैं 90% अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सबको रिवर्ट भी करूँ, जितना कर पाता हूँ कर लेता हूँ, जो नहीं कर पाता हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। मतलब मैं फिर से कहूँगा, मैं मुझे नहीं लगता कि मैं डिज़र्व करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, और उसके लिए मैं कैसे थैंक कर सकता हूँ ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं और मेहनत करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, आप लोगों को एंटरटेन करूँ। जो आधा घंटा आप लोग मुझे दे रहे हैं मेरा शो देखने के लिए अपनी ज़िंदगी से, उस आधे घंटे को ऐसा मेडिटेशन बना दूँ कि आप अपने रेगुलर लाइफ से, रूटीन से बिल्कुल हट के उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, जिससे कि आपको एक स्ट्रेस बस्टर मिले। जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं सारी ज़िंदगी करता रहूँगा, प्लीज़ मुझे प्यार करते रहिए, मुझे ज़रूरत है। थैंक यू सो मच भाई। पर मैं बहुत मैं तो वैसे ही मैंने आपको हमेशा बोला बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कमाल के इंसान हो और बहुत ही हम्बल हो, और शायद मेरा कनेक्शन बना हुआ है जी, मेरा पूरा फिल्मोनी और परिवार आपको प्यार करता है। और मेरे भाई कभी भी कुछ भी हो, मैं मुझे इतनी इजाज़त देना कि मैं बेबाक होकर आपसे ऐसी बात कर सकूँ। आई लव यू भाई 100%। जब और जैसा भी हूँ आपके सामने भाई, मैंने ये बीड़ा उठा रखा है। क्या बात, ये मेरे पास अभी काम हो या ना हो, मैं सिर्फ यू नो अभी जैसे 4-5 दिन पहले एक लड़की घर से भाग के आई थी, अरे भाग के आ गई, उसको पता ही नहीं था कि क्या करना, उसको कुछ नहीं आता था, फाइनली हमने उसको सह सम्मान घर भेज दिया मैंने। अच्छा। उसको आ गई, अब उसको लगा कि यार बड़ा आसान है, लेकिन बाद में जब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो गलत है, मैं किसी लायक, आपकी बातें उसने जो आपने कहा था, फाइनली उसने हमसे ही कहा कि नहीं सर मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर जाना है, मेरे को घर से अच्छा कुछ नहीं दिखता, मैं तैयारी के साथ आऊँगी।
उसको हमने घर चढ़ाया, उसको ट्रेन में बैठाया और यू नो भेज देते हैं। तो ये अब मैं कर रहा हूँ यार, जो अच्छा कर सकूँ शायद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। इंसान अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो कैसा इंसान। मेरे काम आ गए भाई। लवी भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप प्लीज बातें करें। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लव यू, लव यू भाई।